शिवराज सेना को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर रविवार को बख्शीपुर स्थित आर्य समाज मंदिर में शिवराज सेना प्रमुख रितेश कुमार आल्हा ने कार्यकर्ताओं को केक काटा और एक दूसरे को केक खिलाकर खुशी मनाई। रितेश कुमार आल्हा ने कहा कि संगठन आज पूरे भारत में भारतीय संवैधानिक तरीके से रजिस्टर्ड हो चुका है, जिसके लिए हम लोगों ने 3 साल से बहुत ही परिश्रम कर इस संगठन को मान्यता दिलाई है। अब संगठन उत्तर प्रदेश को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में अपने संगठन की स्थापना करेगा। गोरखपुर से ही 5,000 नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को जल्द ही हम लोग पूरा कर लेंगे। कार्यक्रम में संगठन के मार्गदर्शक राजकुमार आल्हा, वार्ड अध्यक्ष सुधीर, महानगर महामंत्री शिवम मिश्रा, महानगर प्रभारी सौरभ त्रिपाठी, नीतेश, अमन गुप्ता, महिला विंग की निहारिका विश्वास, श्वेता, प्रीति, अपर्णा, खुशबू, सूरज सिंह उपस्थित थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए शिवराज सेना के प्रमुख रितेश कुमार आल्हा ने कहा, रितेश कुमार आल्हा, शिवराष्ट्र सेना प्रमुख। आज शिवराष्ट्र सेना द्वारा ये केक काटा गया है, जो कि हम लोगों का जो संगठन शिवराष्ट्र सेना है, भारत सरकार द्वारा आज मान्यता प्राप्त हो गई है। इसके पीछे हम लोगों ने 3 साल की कड़ी मेहनत के पश्चात आज संगठन रजिस्टर्ड हो गया है और अब अपना लक्ष्य है जो गोरखपुर अपना मुख्य केंद्र है शिवराष्ट्र सेना का। गोरखपुर में अब हम अपनी संख्या 5,000 बनाने का और कार्यकर्ताओं को जोड़ने का संकल्प लिया जाएगा आज, और इस रजिस्टर्ड शिवराष्ट्र सेना के रजिस्टर्ड की खुशी में आज हम सभी शिवराष्ट्र सैनिक अपने गोरखपुर क्षेत्र और गोरखपुर के जो सारे विधानसभा हैं, आज सारे जगह खुशियां मनाई जाएगी। किस उद्देश्य से बना गया ये संगठन है? हिंदू समाज को जोड़ने के लिए, हिंदू समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उनको उनकी हक की लड़ाई के लिए और गौ माता की रक्षा के लिए, और सबसे ज़्यादा जो है अपना हिंदुत्व को एक करने के लिए संगठन का गठन किया गया था, और उसी के माध्यम से आज हम लोगों ने इस संगठन को रजिस्टर्ड भी कराया है।